नमस्कार, आप देख रहे हैं के क्या न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तुलगंज पावर मेक प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 1000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें आज नसुलगंज क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम बाबरी में रोड किनारे वृक्षारोपण किया गया। वही रेटी एवं बुद्धि में भी वृक्षारोपण किया जाएगा। इस अवसर पर कंपनी के सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। नसुलगंज से चांद मिया की रिपोर्ट। वीडियो बना लेते हैं, 5-7 सेकंड का बना लें। कौन सा मेघ दूर तो गया टेंशन। पानी पानी क्या और है कौन सा है सामने जा। आज ओनली प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा 20,000 पौधों का वृक्षारोपण करने का अभियान रखा गया है, जिससे विभिन्न तहसीलों में किया जाएगा। इधर सुलागंज रहती और बुद्धि में हम लोग कर रहे हैं, हमारे कंपनी के कर्मचारी उनका प्लांटेशन का कार्यक्रम कर रहे हैं, साथ ही प्लांटेशन का देखरेख भी हम लोग करेंगे। अभी हम लोग का लक्ष्य इस बरसात से पहले 2,00,000 पौधों का है, जो हम लोग निश्चय ही लक्ष्य को प्राप्त करेगा। और पौधों का देखरेख और पौधों के विकास के लिए हमारे कंपनी के कर्मचारी तथा अन्य लोग भी लगे हुए हैं। साथ साथ हमारे कंपनी द्वारा विभिन्न प्रकार के CSR के टीम में लोगों को विकास के लिए कुछ फंड भी कंपनी दे रही है। जैसे हम लोग आजकल पूरे सीहोर जिले में 100 अनाथ बच्चों को जो आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं उनको प्रति माह 2,000 रुपयों का हम लोग पैकेज दे रहे हैं। पूरे साल का हम लोग 24,00,000 रुपये उनको दे रहे हैं। साथ ही हम लोग जो भी गांव के आसपास के स्कूल्स ख़राब हो गए हैं, आंगनबाड़ी स्कूल्स ख़राब हो गए हैं, उन सारे स्कूल्स को हम लोग रीनोवेट कर रहे हैं, बना रहे हैं, पुनर्निर्माण कार्यक्रम कर रहे हैं। साथ साथ जो गांव के जो भी हम लोग विकास के लिए हर समय तत्पर हैं और गांव का विकास का कार्यक्रम हम लोग करते रहेंगे। अभी हाल फिलहाल में हम लोग का लक्ष्य है बरसात के बाद, बरसात से पहले जो भी है हमारे कंपनी के कर्मचारी के साथ साथ प्लांटेशन के साथ 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 विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी भी करने का है, जो हम लोग प्रतिदिन और दिन पर दिन कर रहे हैं। और ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।